हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे और बेसन के सत्तू, जो कि आने वाली बड़ी तीज के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही सत्तू बनाने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही उसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्द पहुंचे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने एक मोटे पैंदे वाली कढ़ाई ली है। अगर आपके पास इतनी बड़ी कढ़ाई ना हो तो आप फिर इंस्टॉलमेंट में सेक लें। अब हम सबसे पहले लेंगे 750 ग्राम घी। हमारा 1 kg मोटा बेसन है, उसके लिए हमने 750 ग्राम घी लिया है। घी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर घी की मात्रा अच्छी रहेगी तो सत्तू सेकने में आसानी रहेगी। अब हम घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये शुद्ध घी से जो बनते हैं तो ये खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेंगे मोटा बेसन। हम 1 kg बेसन का यूज़ करेंगे, पर हम इसे 2 इंस्टॉलमेंट में डालेंगे। अभी तीज के उत्सव पर अलग अलग तरह के सत्तू बनते हैं। कोई चने की दाल को सेक कर फिर उसे पिसा कर उसका यूज़ करता है, हमने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। तो इस तरह अलग अलग सत्तू बनते हैं। कोई मूँग की दाल का बनाता है, चावल का बनाता है, मैदा का बनाता है। अभी हमने हमारे घी के अंदर अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है। हमें इसे अच्छे से हिलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे। अब हम बचा हुआ बेसन भी ऐड कर लेंगे हमारा, और इसे अच्छे से हिला लेंगे। आपको बहुत ध्यान रखना है या नीचे कहीं भी चिपके नहीं। हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे पहले 5 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से घी और बेसन मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम हमारी फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और इसे हम हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी तरह का लंप ना रहे। घी की जो क्वांटिटी है, अगर आपको आगे जाके लगता है कि घी कम है तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अभी हमें देख के लग रहा है कि हमें थोड़े घी की और ज़रूरत है, तो हम इसमें थोड़ा घी ऐड कर लेंगे। अगर कम रहा घी तो हम और ऐड कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा हुआ तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सोच कर डालें। हम इसे पूरे टाइम हाई फ्लेम पर पका सकते हैं, पर जो टेक्सचर, जो टेस्ट मीडियम फ्लेम पे पकाने से आएगा वो तेज़ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। आपको ज़रूरत लगे तो आप बीच में थोड़ा तेज़ करें और इसे फटाफट हिला लें और फिर से धीरे कर दें। अब देखिए हमारा बेसन और घी अच्छे से मिल चुका है, वो कढ़ाई में से थोड़ा छूटने लग गया है। इसे हम यूं ही अच्छे से हिलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे स्पेशली तीज पर बनाया जाता है, और ये मिठाई 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होती क्योंकि इसके अंदर घी और चीनी का ही यूज़ होता है। अब देखिए हमारा ये मिक्सचर और अच्छा सिक गया है। ये बनाने में आपको थोड़ा ज़ोर तो ज़रूर आएगा, क्योंकि इसे कंटिन्यू चलाते रहना एक बहुत मुश्किल काम है। अभी इसे गैस पर रखे हुए हमें 20 मिनट जितने हो गए हैं। आप इसका कलर देखिए, हमारा घी जो है वो छूटने लगा है। आपको भी बस इसी तरह से इसे सेकना है, इतना ही डार्क होना चाहिए। अभी तो कलर और बदलेगा, बस कंटिन्यूसली चलाते रहें। अगर ये नीचे थोड़ा चिपक जाता है तो इसे स्मेल आ जाती है, और फिर आप जब भी सत्तू खाएंगे आपको स्मेल आएगी, इसलिए ये हिलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ये नीचे चिपके नहीं। इसे हर तरफ से हिला लें। इसे सेकते हुए हमें अराउंड 30 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें घी की क्वांटिटी अच्छी है, तो हम इसे आराम से हिला पा रहे हैं, और साथ ही बाद में चीनी मिलाएंगे जब, तो सत्तू भी उससे बहुत अच्छे बनेंगे, इसलिए घी की क्वांटिटी अच्छी रखें।
देखिए हमारा बेसन सेक के तैयार हो चुका है, आप इसका कलर देख सकते हैं। ये सेकने में हमें अराउंड 35 से 40 मिनट्स लग गए हैं। अब हम इसे एक घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम गर्म में चीनी डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा, इसलिए अब हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो चलिए, गेहूं के आटे के सत्तू बनाने के लिए हमने सबसे पहले 250 ग्राम घी लिया है। इस घी को हम अच्छे से पिघलने देंगे। अब हमारा घी पिघल गया है तो इसके अंदर हम 250 ग्राम बारीक आटा लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मोटा आटा जल्दी सिक जाता है, इसलिए हम पहले बारीक आटे को सेकेंगे। हमें इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें कोई भी तरह का लंप ना रहे। हम जैसे जैसे इसे मिलाते रहेंगे इसका कलर बदलता जाएगा। देखिए आटा सेकते सेकते इसका कलर अब ऐसे बदल गया है। अब हम इसमें हमारा मोटा आटा डाल लेंगे। आटा डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बारीक आटा डालने के बाद 7-8 मिनट जितना सेका था और अब हम और 10-15 मिनट सेक लेंगे। इसे सेकने में 20-25 मिनट लगते हैं। अब इसे अच्छे से सेकते रहें, चारों तरफ से मिलाते रहें। आपको इसमें लगे कि घी डालने की ज़रूरत है तो घी और डाल लें। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे फिर से हिला लेंगे। कोई भी आटा पूरा सिका है या नहीं उसकी पहचान हो जाती है जब वो घी छोड़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरा सिक चुका है। हम इसे 5 मिनट बस और सेकेंगे। ये देखिए हमारा आटा पूरी तरह से सिक चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे, कढ़ाई गर्म है तो उसे थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसे 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। ये थोड़ा कम है तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हमारा बेसन का सत्तू का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम उसमें चीनी ऐड करेंगे। हम 1 kg चीनी का यूज़ कर रहे हैं। आपको चीनी कम पसंद हो तो आप कम डालें, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें और इसे धीरे धीरे हाथों की मदद से मिला लें एकदम अच्छे से। ये देखिए हम इसे मिला रहे हैं। दोस्तों ये खाने में बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। ये देखिए ये ऐसा लगने लग गया है मिलाने के बाद अच्छे से। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा चीनी मिलाने के बाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप हाथ में लेकर देख लीजिए लड्डू जैसा बन रहा है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कम लगता है कि घी कम है, बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो आप इस स्टेज पे घी को गर्म करके इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए हमने हमारे सत्तू बना लिए हैं, इनको टिफ़िन के अंदर डालकर तो इसे लड्डू के फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब हम गेहूं के सत्तू बना लेते हैं। ये हमारा वो मिक्सचर है, ये ठंडा हो चुका है। ये अभी घी ऊपर आ जाता है जब वो ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो हम इसे हिला लेंगे तो हमारा पुराना वाला जैसा ही दिखने लगेगा वो। ये देखिए हमने हिला लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम इसमें 500 ग्राम बुरा चीनी का यूज़ करेंगे।
देखिए आप इसमें नॉर्मल चीनी का यूज़ मत करना। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूँ, इसमें बूरा चीनी का यूज़ होता है। हम घर पे जो पीसते हैं चीनी, उससे भी लोग बनाते हैं, पर उससे उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आता, इसलिए हम इसमें बूरा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं चारों तरफ से लेकर। आप ये देखिए हमारा तैयार है घी। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पे गरम करके डाल सकते हैं। ये देखिए हमने हमारे गेहूं का और बेसन के सत्तू तैयार कर लिए हैं। इसमें बीच में सिक्का लगाया जाता है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे सत्तू का डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे रेड कलर के लिए रोली का यूज़ किया है, जो कि हम टीका लगाने में इस्तेमाल करते हैं। आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीन फूड कलर यूज़ किया है, और इसकी मदद से हम डेकोरेशन कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसमें काजू बादाम लगा दिए हैं और इसे तैयार कर लिया है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे डेकोरेट करें। ये देखिए हम इसके अंदर एक ट्री बना रहे हैं। अलग अलग स्टाइल से आप डेकोरेट करें तो उससे ही बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने इसमें बर्ड्स बनाए हैं, नीचे हमने घास बनाई है, ट्री बनाया है, और इसमें हमने चेरी का भी यूज़ किया है। ये देखिए हम इसके अंदर एक गुलाब का फूल बना रहे हैं, और हमने इसमें जेम्स लगाई है, चेरी का यूज़ किया है। आप भी जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। डेकोरेट करने पे ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको भी ये सब अच्छा लग रहा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो अब ये गेहूं वाले सत्तू को हम डेकोरेट कर लेते हैं। हमने इसे साइड में चेरी लगाई है, और हम बीच में काजू बादाम का यूज़ करके उसे डेकोरेट कर रहे हैं। ये देखिए हम अलग अलग कलर के डॉट्स, जो मैंने रेड और ग्रीन लिया था, उसके डॉट्स लगा रही हूँ उसके बॉर्डर में। डेकोरेट करने से ये बहुत ही मस्त भी दिखता है, और अगर हम किसी को देते हैं तो ये उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों हमारा सत्तू डेकोरेट हो चुका है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो देखिए हमारे सब सत्तू बनकर और फिर डेकोरेट होकर तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना मस्त? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।